इस रोड पे आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? देखिए गाड़ियां फंसी पड़ी है, इस गाड़ी के बिल्कुल बगल से होके जाना पड़ रहा है। एक तरफ खाई है बहुत गंदे वाली, तो बहुत वाह कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया व्यू है यार, अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग व्यू भाई साहब, गजब ही सीन है। वो देखो कहाँ बैठे गाड़ी के बिल्कुल ऊपर। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां फंसी है, काफी टफ रास्ता है। जाते भी यमराज का झूठा नजर आ रहा है। इससे टफ रास्ता कभी नहीं देखा। ओ भाई जान बची, लाखों पाए भाई, हंसी आ रही है मेरे को। सचिन भाई दो तीन बार गिर गया। hey, good morning everybody. काफी अच्छी सवेर हो चुकी है, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं उठ गया हूँ, मेरे साथ के भी उठ गए हैं। शक्ल थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडी बहुत ज्यादा थी रात में, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती यार, बड़ा रिलैक्स होके सोए हम लोग। सामने का नजारे आप देख सकते हैं, जाके थोड़ा सा रोड की कंडीशन का पता लेते हैं कि खुल गई है तो आगे नहीं बढ़ते हैं ना। ये टेंट वगैरह सब पैक करने लगेंगे, बिकॉज ये डेली का डेली हमारा काम रहता है। ये हमारा होटल रूम था, इसको पैक कर देंगे एंड थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। सचिन भाई अभी चाय बनाएंगे और सामने के नजारे कुछ इस तरीके के हैं। और तुम्हारा भाई कुछ ऐसा लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? देखो जैसे ये पास में आज हमारा होटल है, नहाना भी यहीं कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं ये लोग, तो ये चीज हो रही है। कल हमने जहाँ कैंपिंग की थी वहाँ पास में रिजोर्ट था। अभी जा रहे हैं बाइक लेके रोड की कंडीशन चेक करने के लिए। तो यही अपडेट आ रहा है कि आगे के रास्ते का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कहीं कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके आगे है, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और पता यही चल रहा है अभी तक कि अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, तो होपफुली कहता है, पता नहीं है, रास्ता 2 दिन में भी 5 दिन में भी खुल सकता है, महीना भी लग सकता है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। मिले हैं भाई पंजाब के बंदे और इन्होंने बताया कि आगे रास्ते खुले हैं। छोटी गाड़ियां तो कह रहे हैं जा रही है, तो एक बार पूछ लेते हैं। तो हमें एक जरूरी अपडेट ये मिली है कि बाइक और गाड़ी वाले आगे जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि आगे एक कच्चा रोड बना हुआ है जो कि पास भी नहीं कर रखा गवर्नमेंट ने, और उसमें एक गाड़ी चलती है और उस पर कीचड़ भी है। अगर आपकी गाड़ी साइड में स्लिप होती है या बाइक गिरता है या कुछ भी होता है तो आपकी जान पे बात आ सकती है और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। भैया आगे का क्या अपडेट है यार? खराब है। आप कच्चे वाले रूट से आए हो, उससे बाइक कर आराम से निकल रहे हैं? अच्छा, अरे गाड़ी निकल जाएगी थार, आस पास जगह बसती है कोई, गाड़ी निकलती है तो पासिंग में दिक्कत है ना। होटल अल्पाइन व्यू, ये करीब जब हम ऊपर सराहन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है। इसके जस्ट पार्किंग में हमने अपोजिट साइड में कैंपिंग की थी। यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया भाई, ओनर बहुत बढ़िया, उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की हर चीज में। मैं थोड़ा शर्मा रही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे जूरी है, ऊपर सराहन है, जूरी से हल्का सा आप ऊपर आते हो तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। ये देखिए कितना स्पेशियस सा रूम है, इसमें आराम से 2 से 3 लोग स्टे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आप देख सकते हो बैठ के और इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए अभी हम होटल अल्पाइन व्यू से निकलते हैं, हमारी गाड़ी को लेके काफी अच्छा था यहाँ पे, मैम ने हमसे पैसे भी नहीं लिए यार, मैंने काफी फोर्स किया, डिसाइड कि आप तो आपको रूम भी देने को तैयार थे सर, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आए हो हमारे यहाँ पे। तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। क्या 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 कैसा एक्सपीरियंस है, जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार, सामने का व्यू बताओ कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा ऑसम ऑसम। और सारी पैकिंग शैकिंग कंप्लीट हो गई है, गाड़ी में सब सामान लोड हो गया है और इतने खूबसूरत से नजारे को अलविदा बोल के निकल जाते हैं। भैया क्या करें, हमारा तो काम ही यही है, हम ठहरे मुसाफिर, मुसाफिर क्या कोई ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ थोड़ा सा ना अपना डिटेल्स नोट होती है भाई, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके साथ में कुछ नेगेटिव ना हो जाए तो आपके एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट एड्रेस और सारी चीजें लेते हैं। देखो बस भी आ रही है यार इधर से, ऑप्शन तो होंगे जाने के, तो जो ऑप्शन है कहते पुराने रास्ते हैं, आज से पहले लोग यहाँ, भाई बहुत जगह पड़ी है, इतना चिपक के क्यों निकल रहा है। किन्नौर का मेन गेट जो बोल सकते हैं कि एंट्री द्वार है, क्या शानदार गजब लग रहा है। मैं पहुंचा हुआ अभी किन्नौर गेट के पास में, so
हैं मेन किन्नौर में, और मतलब किन्नौर आप ऐसे कोई जगह का नाम नहीं है, जस्ट एक बोला जाता है इसको डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ये मेरे को किसी लोकल ने बताया था पीछे, और नीचे काफी गहरी खाई है और आगे देखो पहाड़ काट काट के रास्ते बने हुए हैं, और हमें आगे आगे ऐसे ऐसे पेच मिलेंगे ना इस रोड पे ऐसे ऐसे कि मतलब बिल्कुल पहाड़ हमारे सर के ऊपर होंगे और नीचे हम चल रहे होंगे। जी एक तरफ रास्ता बिल्कुल छोटा सा है, वन टाइम में वन व्हीकल ही निकल पा रहा है, थोड़ा सा गंदा रास्ता है ये और संभल संभल के चलना पड़ेगा। ये रास्ता देखो आप यार कैसा रास्ता है ये, मतलब रोडे ही नहीं है और ये पत्थर नीचे आते रहते हैं, तरफ की खाई बहुत ज्यादा गहरी है भाई, देखने में फायदा नहीं है। वो वाले पहाड़ हैं देख सकते हो आप, गाड़ियां इनके बिल्कुल नीचे से जा रही है, बिल्कुल नीचे से, मतलब रास्ते बड़े डेंजरस है, पहाड़ों को काट काट के बने हैं रास्ते, दूर से देखते हैं ना तो ये एक ही पहाड़ लगता है, और पास आके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना रोड जितना स्पेस है ना ये स्पेस बनाया जाता है। पूरा का पूरा रूट ही ऐसा है कि जिसमें ना मतलब ऐसा दिल करता रहता है यार शूट करते रहो, बट क्या नई चीज होगी, बस ये रास्ते इतने डेंजरस हैं, और दूर से ये बड़े सेक्सी लगते हैं यार, बड़े ही सुंदर लगते हैं। इनके बिल्कुल देखो गाड़ी बिल्कुल नीचे से जा रही है यार, कितना गजब है, मतलब ऐसे पहाड़ आपको ना किन्नौर वैली में देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया व्यू है यार, अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग व्यू। तो ये पीछे एक जगह आई थी जहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े थे जिनसे हमने रास्ता पूछ लिया, ये जो रास्ता जिसपे हम निकले हैं यहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही ज्यादा परमिशन है, रास्ते में पुलिस खड़ी है जगह जगह पे, तो वो हमें हेल्प मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख ही सकते हो रोड कितना पतला है यार, यार कितनी अच्छी बात है कि यार इस बार मैं थार लेके आया हूँ, तो थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है कि प्रायोरिटी में है 4x4 को तो परमिशन रहती है भाई, ये हर बार सुनना पड़ता था हमें, हर बार जब भी मैं इधर आता था ना पहाड़ों में मुझे हर बार यही सुनने को मिलता था कि नहीं इधर आप नहीं जा सकते, इधर सिर्फ 4x4 जा सकती है, तो इस बार बढ़िया लग रहा है। पहाड़ी के ऊपर बैठे हम डर रहे हैं, यहाँ के लोग देखो कहाँ कहाँ बैठ के जा रहे हैं। भाई साहब गजब ही सीन है, वो देखो कहाँ बैठे गाड़ी के बिल्कुल ऊपर, और ये देखो वैली कितनी खूबसूरत है यार, एक्सट्रीम खूबसूरत। ये गाड़ी निकल रही है भाई, हमारे बंदे तो बहुत आगे शायद निकल चुके हैं, उनसे हमें कंफर्म नहीं हो रहा रास्ता, ये गाड़ी वाले से बात हुई है इसके, इसको फॉलो करते करते चलते हैं। खड़े खड़े ये हमें मिले एप्पल का पेड़, भाई मत तोड़ो यार किसी के खेत में, हम वैसे वीडियो में दिखा देते हैं, एप्पल ही एप्पल लगे पड़े हैं। किधर है भाई, ये लोगों के खेत होते हैं। हाँ यार ये तो बड़ा ही प्यारा है यार, लाल लाल एप्पल है गाइस, इस तरीके का तो एप्पल यार हमारे एरिया में बिकने को ही नहीं आता यार, देखो कितना लाल है ये। का लेने के बाद फर्स्ट टाइम 4x4 लगाया है, वो भी इस पे ऊपर चढ़ाने के लिए, और गाड़ियां देखो लाइन में लगी है सभी की। तो इधर का भी ये अपडेट है कि पहले आगे से जो गाड़ियां आ रही है ना पहले उन्हीं को छोड़ा जाएगा, और हम लोगों की गाड़ियों को उसके बाद में लगभग एक घंटे का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये देखो बुद्धिस्ट हाउस है, काफ़ी खूबसूरत है, कितने प्यारे प्यारे घर हैं। हम पैदल चलते हैं आगे, थोड़ा घूम के आते हैं मार्केट की तरफ। ये इस तरफ देखो क्रिकेट का ग्राउंड है और मैच हो रहा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा है यार ये एरिया, बड़ा खूबसूरत है, और ऐसे कच्चे रास्तों से हमें जाना पड़ेगा आगे, तो इससे गंदे गंदे स्लश आएंगे भाई, बहुत गंदा रास्ता ये, कहते 4x4 भी लगाना पड़ेगा। और इधर आगे चल के पूरा निशार गांव है, निचार पूरा का पूरा स्लश है, ये देखो बहुत गंदे वाला है स्लश, ये गाड़ी की हालत तो खराब होगी होगी, लेकिन 4x4 एंगेज करके जाना ही ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लग रहा है ऐसी रोड पे, क्योंकि आपको लग रहा है लेकिन ये ऐसे करके बहुत हाइट तक जा रहा है ये रास्ता। ये देखिए गाइस ये रास्ता देखो आप कितना कीचड़ है, एक तरफ मतलब अच्छा खासा स्लश है, और भाई सचिन यहाँ तो तेरी और भी हालत खराब हो जाएगी बाइक वालों की भी। देख कितना प्यारा सा पप्पी अंकल के पास में, स्वीट ऑफ यू अंकल जी ने देखो हमको एप्पल ला के दिए, थैंक यू अंकल। फीमेल है ये, इसका बच्चा है, बेबी है ये, तो हमारे लूसी जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इधर अंकल आंटी बड़े स्वीट से थे, इनके साथ फोटो क्लिक करवाई, इन्होंने हमें यहाँ पे एप्पल खिलाया, बड़ा टेस्टी सा एप्पल था खाया। भाई रास्ता तो बहुत गंदा है, ये देख सकते हो आप कैसे यहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी, क्लाउस में हो रहे हैं, काफी अच्छा घर है इनका। अच्छा आपके फादर साहब है, ओके ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ बैठ के बच्चे, ये तो इनकी वो कटिंग कर रखी है, कटिंग कटिंग नहीं की, ऐसे ही है इनके बाल। अरे रे भैया ये पियर्स है, एक उसको दे दो पकड़ना, एक एप्पल और एक पियर्स दिया भैया ने।
तो जी अभी चल रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, क्योंकि काफी सारा भैया ने एप्पल पीचेस वगैरह दे दिए हैं, तो ये हमें छोड़ने भी जा रहे हैं साथ में। तो गाड़ी के पास चलते हैं, कुछ देर में इस टाइम स्पेंड करेंगे ये वाली। हाँ अच्छा, इस वाली पहाड़ी के पीछे वो ठीक है यहाँ के मणिकरण गुरुद्वारा में गया वहाँ पे। काफी सारी गाड़ियाँ आ गई है, अभी थोड़ी देर में हमें भी जाने की परमिशन मिल जाएगी। किधर गया भाई? बस इधर ही है। होलिया शूट है, एडवेंचरस रास्ता भाई। जिस तरीके से आ रहा है तू कैमरे के पार निकलेगा क्या? बुरी तरीके से फंसी हुई है रास्ते में भी, और हमारी थार बहुत आगे खड़ी है, बहुत टफ है। रात में तो शूट भी नहीं कर पाएंगे जगह को, कहते रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी है, काफी टफ रास्ता है। देखते हैं 4x4 लगा के करेंगे भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें इतना इतना खर्चा लगा है, कितना डामर लगा है, सब चीजें बता दी है। इधर देखो, इधर इतनी सारी चीजें लिखी पड़ी है, लेकिन रोड भाई है ही नहीं, कच्ची रोड पड़ी है, अभी तक कुछ ही नहीं है, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां खड़ी है। ये हमारे सारे भाई देखो, भाई दम है कि नहीं है? तगड़े वाला झोटा दे, गाड़ी स्कॉर्पियो है तो भी नहीं, दम नहीं कर रहा, मतलब ऐसा मन नहीं कर रहा। हम तो थार वाले हैं, फिर भी हमें नहीं आ रहा स्कॉर्पियो भाई, फ्रेम से मत भागो, सच का सामना करते हैं। तो भैया बात ऐसी कि यार ऐसी रोड पे कैसे जाएं, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे इतनी गंदी रोड है ना, जो भी लोग आ रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि बहुत बुरी सड़क है और आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसी बातें यार सुनने को मिलती है। और हम आए हैं करीब 4-5 बजे आके यहाँ पे खड़े हुए थे, अभी करीब 8 बजने हुआ गए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार। और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे जाना सेफ भी रहेगा भाई, ये लाइट इरिटेट ज्यादा कर रही है। शेम ऑन यू ब्रो। थोड़ा यार मामला रिस्की हो रहा है, गाड़ियां ज्यादा छोड़ दी है, उतरने में थोड़ा दिक्कत भी आएगी, बड़ी सारी चीजें हैं, तो देखते हैं। मैं तो अकेला हूँ, सभी 3-3, 4-4 लोग हैं। कहते हैं टफ रास्ता कभी नहीं देखा, दिन होता तो शूट करके दिखाता, GoPro से ट्राई तो करूंगा अगर कुछ बढ़िया आ पाया तो, बाकी देखते हैं यार जो भी होगा देखी जाएगी। कहते हैं मैनेज चीजें, कॉन्फिडेंस तो है, बाकी उतर लेंगे यार कोई बात नहीं। अब तक बहुत घूम चुके हैं, जो लोगों ने बता बता के डराया है ना, मतलब चीजें भाई ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा गलत है, वो चीजें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और बाकी तो सब बढ़िया है, 3 बजे से गाड़ी खड़ी है यार। तो भाई अभी देखिए एक सारी लगभग गाड़ियां आ गई है, लास्ट एक बच रही है, अभी भगवान का नाम लेके हर हर महादेव निकलते हैं। वो गाड़ियां बहुत खड़ी आगे, तो जैसे निकलते हैं करते हैं मैनेज यार। ये देखो लोग बीच बीच में फंसा रहे हैं सभी के सभी यार, रूल रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा भाई, रात का टाइम होने के बाद कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है भैया, मिलेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है जी, जी भैया जी, ठीक है, कांटेक्ट करूंगा आपसे। तो भाई अभी हम निकले हैं भगवान का नाम लेके, मैंने तो भाई 4 लो लगा दिया पहले ही, कोई रिस्क नहीं ले रहे, अट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लेते हैं, वो भी ऑन कर लेते हैं, थोड़ा गाड़ी मतलब बढ़िया चलने लग जाएगी, कंट्रोलिंग बढ़िया बढ़ जाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आगे हमारे जस्ट गाड़ी है, हमें लाइट चाहिए नीचे की। हाँ नीचे की लाइट चाहिए भाई, रोडें तो बहुत गंदी है, बट गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे वाला कंट्रोल चाहिए भाई। ओह काफी टफ है, बट कर लेंगे मैनेज यार, कर लेंगे। उतर रहे हैं आराम आराम से, देखते हैं चीजें करेंगे मैनेज। गाड़ी तो भैया बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, देखो बाइकों को निकलना इजी रहता है, गाड़ी को निकालना थोड़ा टफ हो जाता है ऐसी रोड पे, बाकी कर लेंगे यार। जो लोगों ने जैसे तरीके से डरा डरा के रखा है ना भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो चीजों से थोड़ा बच के रहना है, और लोगों को निकलने देते हैं, गैप के साथ चलेंगे, गैप रखेंगे। मेरे पीछे है एल्टो, जो कि उतरते टाइम तो देखो यार हो जाएगा शायद मैनेज, बहुत गंदा सफर है वैसे, लेकिन कर लेंगे हम। अभी तो यहाँ से गाड़ियाँ निकलना शुरू हुई है, आप देख सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बट हो जाएगा यार, पीछे भी बहुत गाड़ियाँ, हो जाएगा, कर लेंगे हम भाई। आराम से निकलियो, आराम से। ये जो पेच है ना, ये थोड़ा और भी डेंजरस है, इसमें ऊपर नीचे काफी हो सकती है गाड़ी, लेकिन कर लेंगे मैनेज यार, कर लेंगे मैनेज, क्योंकि इतना लोड नहीं ले रही है हमारी गाड़ी, आराम से अभी तक तो चल रही है, बाकी आगे का देखते हैं क्या रहता है। जुदो को इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आप अकेले नहीं हो इस रूट में, रूट जितना मर्जी डेंजरस हो जाए, इस रूट में आपके साथ में बंदे काफी हैं, तो धीरे धीरे बड़े प्यार से तरीके से गाड़ी को निकालना पड़ेगा। और हमने 4 लो लगा रखा है भाई,
और रास्ता कीचड़ वाला है, स्लश है, बट हमने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया है, सब चीज़ें ऑन कर ली है और आगे जो सफारी है ये रुकी पड़ी है, इन्हीं का ही वेट है, ये कैसे टर्न लेते हैं, एक गैप रखते हैं यार अच्छे वाला। देखो ये है कि यहाँ दिन में हम इस तरफ आए थे, ओके रास्ता इतना डेंजरस है, नीचे एक तरफ कीचड़ चल रहा है, पूरा गंदे वाला कीचड़ है और रास्ता उतना ही ज्यादा गंदा है भाई, बहुत ज्यादा गंदा है। थोड़ा सा यार इधर रखते हैं गाड़ी को ताकि गाड़ी सही से निकल पाए, इधर से ऊपर नीचे हो पाए और चीज़ें मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा रफ चल रही है भाई, अगर मेरे पीछे कोई होता ना तो शायद वीडियो ज़्यादा बेटर बन पाती अपना कोई नॉन, बट कर लेंगे मैनेज, बाबे का नाम लेके हो जाएगा सब कुछ। गाइज मेरे को लाइफ में वैसे डर कम लगता है लेकिन ऐसे रास्ते मैंने पहले किए नहीं है, और इस रूट में जो भी टूरिस्ट आ रहा है ना, जस्ट बिकॉज कोई मर्जी टूरिस्ट आ रहा है, वो इतना परेशान है ना इस वजह से कि यार चीज़ें थोड़ा सा ना उल्टी ना पड़ जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बाकी यार रास्ता तो ठीक ही लग रहा है, गाड़ी कीचड़ में हो रही है, होने दो, लेकिन यही वो गाड़ी है जो आपकी जान बचाएगी भाई, यही वो गाड़ी है जो आपकी जान बचाएगी। ओके सर, ओके 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 जी जी जी। तो गाइस देखिए रास्ता कैसा है, आप देख सकते हैं बहुत बुरा रास्ता है, इतना गंदा सीन है ना इस रोड का, इस रास्ते का आप खुद फील कर पा रहे होंगे। और गाड़ी चढ़ने उतरने दोनों में पूरा अट्रैक्शन लगा रखा है, नीचे आप देखोगे ना तो फुल ऑफ कीचड़ है यार, फुल ऑफ स्लश है गाड़ी में नीचे, और मैं तो फर्स्ट टाइम 4x4 ड्राइव कर रहा हूँ, और बट एक इशू है इस रोड पे, एक ही व्हीकल वन टाइम में वन व्हीकल निकल सकता है। गाइस थोड़ा सा टफ हो गया है रोड, आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा तो यार टफ है ये रोड, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही टफ है, और रास्ते में फंसी हुई गाड़ियां आप देख लो, इनकी किसी का एक्सल टूट गया है, किसी गाड़ी की क्लिच प्लेट खत्म हो गई है, बस यही सब हो रहा है यार रास्ते में। तो बस जो भी है अभी करते हैं, और सबसे गंदा सीन ये है कि इस गाड़ी के बिल्कुल बगल से उक जाना पड़ रहा है, एक तरफ खाई है बहुत गंदे वाली, तो थोड़ा इधर ही रखते हैं और प्यार से चलते हैं। यार गाड़ी के बराबर जब गाड़ी आ जाती है ना तब मामला ज्यादा खराब हो जाता है। अब बाकी आपको मेरे आगे ये आगे तक ये सफारी ही देखने को मिलेगी। लेफ्ट में गाइस खाई है, बहुत गहरी खाई है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, तो ठीक है यार दिख नहीं रहा है ना तो कॉन्फिडेंस है, ये एक्सपीरियंस शायद मुझे बहुत कुछ सिखा के जाएगा। गाइस ये देखो अब एक तरफ स्लश आ गया है जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जिसमें टायरों का अट्रैक्शन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। भाई आगे की गाड़ी नीचे लग गई है, उसके वो जो आगे की गाड़ी है ना जो सफारी चल रही है उसके जो साइड में जो पैर रखने का फुट वाला रहता है वो बार बार नीचे लग रहा है, क्योंकि भाई गाड़ियां निकालना जो ऊंची गाड़ी है वो थोड़ा सा फिर भी निकल रही है, जो नॉर्मल गाड़ी है उसको बहुत टफ हो रहा है। और हमारे जस्ट पीछे एक एल्टो है, मैं तो भगवान का शुक्र कर रहा हूँ कि मैं एल्टो से पहले आ गया, नहीं तो यार और ज़्यादा टफ होता। बाकी यार टर्न सुपर डेंजरस टर्न है भाई, सुपर डेंजरस टर्न है, भगवान बचाए यार इन सब चीज़ों से, बस आज आज ये करते हैं चीज़ें नॉर्मल आराम से। बॉडी है ना जो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं ले रही है मेरी, तो अभी तक मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो मतलब आना चाहिए यार बेसिकली। भाई ऑफ रोड को देख के इंसान खुश होता है, लेकिन कितना ऑफ रोड देख लोगे आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसा, 8 से ज़्यादा ये 8 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर का ऐसा गंदा ट्रेल है ये। एक तो क्या होता है राइट में खाई नहीं आनी चाहिए, ये मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रहता है, लेफ्ट में आ जाए मेरा मतलब सेंसेस अच्छे काम करते हैं। ओ भाई आगे तो कुछ भी नहीं है, इतने गहरे खड्डे हैं, बहुत वाह, करेंगे कर लेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ही टफ है रे भाई इधर गाड़ी वालों के हिसाब से, तो 4 टायर होते हैं जिसको रोड पे टिकाना भी पड़ता है, ऐसे चीज जगहों पे यही हो सकता है। ओहो गाड़ी पूरी झूल रही है, ब्रेक पे ब्रेक दे रहा हूँ और धीरे धीरे निकल रहा हूँ आगे, क्योंकि मैं जस्ट
रोड को ही देख रहा हूँ, गाड़ी बहुत ज्यादा झूल रही है भाई, गंदे वाली झूल रही है, हो जाएगा। सुपर डेंजरस रोड, मैंने अभी नहीं अपनी लाइफ का यही देखा है भाई, इससे डेंजरस कुछ नहीं है आज तक किया। ये देखो गाड़ी कैसे उठ रही है, 4x2 का यही प्रॉब्लम हो जाता है कुछ जगह पे, गाड़ी बैलेंस नहीं बना पाती है भाई, बैलेंस नहीं बना पाती है। लेकिन 4x4 का एक फायदा रहता है जिसमें चारों व्हील काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वो फायदेमंद हो जाता है यार मामला। डायरेक्ट काट लो सर, नहीं थोड़ा आप मिला के ना हाँ? को ले जाओ, थोड़ा साल का ब्रेक लाओ, फिर उसके बाद आप। ठीक है ठीक है ठीक है, सर बैग कहाँ तक करूँ थोड़ा सा। ओके जी ओके, जितना आप तार सके उतना करो आप। हम तो अकेले हैं सर, हमें कोई बताने वाला नहीं है। चलो चलो कोई बात, हम सारा कर देंगे आप। निकलो आप, बस निकल गया आप, निश्चिंत होके जाओ। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच भाई। भाई इस रोड पे आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है और प्यार से चलना पड़ता है, और यही ही तरीका है। अभी फोन रखते हैं, यहाँ ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ गोप्रो ही डालेंगे। देखिए गाड़ियां फंसी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है किधर से जाना पड़ेगा, और गोप्रो की बैटरी भी काफी कम रह गई है। लेकिन सामने के साइड मुझे थोड़ा सा टारकोल दिखा, यानी कि मुझे थोड़ी लुक वाली रोड दिखी है, थोड़ा टारकोल रोड दिखी है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाड़ी ने तो कुछ भी नहीं समझा इस जगह को, अगर ये आगे की गाड़ियां नहीं होती ना, हम कब के नीचे होते भाई, ये तो मानता हूं मैं। अभी यहां से प्यार से निकलते हैं पूरा तसल्ली से, और ये देखो गाड़ी टच कर गई इधर पत्थर को, क्योंकि आगे पत्थर पड़े हैं भाई भर भर के। ये देखो किस तरीके से फंस रही है गाड़ी। तो भाई अभी तो शायद रोड नहीं है, पुलिसकर्मी भी खड़े हैं हेल्प करने के लिए, तो एक बार देखते हैं हम कैसे मोड़ पाएंगे इस गाड़ी को। थोड़ा बैग भी लेना पड़ेगा हल्का सा, वो आप आगे की गाड़ी देख सकते हो जाएगा, बाकी सब कर लेंगे मैनेज। अभी भी मुश्किल टली नहीं है गाइस, देख सकते हैं फिर से वैसी रोड आ गई है, टूटी फूटी, और फिर से मैंने 4x4 लगा लिया है, 4 लो ही, और धीरे धीरे करके उतरते हैं भाई। दोस्त मिल गए हैं, मैं सबसे पहले तो इनको यार आज तो हगी करना चाहूंगा। ओ भाई जान बची लाखों पाए, भाई जान बची लाखों पाए, जान बची लाखों। मोस्ट डेंजरस रोड भाई है कि नहीं है, मोस्ट 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 डेंजरस रोड थी भाई। मेरे आगे की गाड़ियां ऐसे हो रही थी फ्लिप, मेरे को उनको देख के थोड़ा लगा, लेकिन भाई इस गाड़ी ने कहीं भी इतना सा भी अट्रैक्शन नहीं छोड़ा भाई, इतना सा भी। सुपर सॉलिड गाड़ी है, बेस्ट मतलब भाई। आई एम सो सॉरी, क्यों भाई बताऊंगा। सचिन भाई दो बार गिर गए यार, मुझे पता नहीं भाई चोट तो नहीं लगी। तो एवरीबॉडी अभी देखो हम इस मतलब मोस्ट डेंजरस रोड कह सकते हैं एक तरीके से, वैसे तो क्या पतली रोड थी, दो व्हीकल साथ नहीं चल सकते थे, उससे जस्ट नीचे उतर के आए हैं, और अपने यहाँ हंसी आ रही है मेरे को। सचिन भाई दो तीन बार गिर गया नीचे, दो बार सचिन भाई दो बार गिर गया नीचे, और इतने बड़े स्ट्रगल के बाद में हमें खाना नसीब हुआ। ये दाल क्या देख सकते हैं आप, और ये पनीर भुर्जी मेरी स्पेशल फरमाइश पे आई है। अरे ये लड़का एडिट कर रहा है, ये भाई तो हर टाइम स्वैग में रहता है। और हमारी गाड़ी उधर आगे खड़ी है, हमने वहाँ कहीं खड़ी कर रखी है, और वहाँ हम रुक तो कैंपिंग करेंगे। इस तरफ माउंटेन रेंज है, पीछे के साइड में रिवर है,
और ये आगे हाईवे है स्पीति वाला। सबसे बड़ी बात यार इधर वाई फाई चलता है, इस जगह पे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे वाई फाई चल रहा है, मतलब आस पास दूर दूर तक कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है यार। हमने तो खाया नहीं, भाई की किस्मत में लिखा था, हमारे तो यहाँ पे हालत खराब हो रही है, इतना लो टेम्परेचर है इधर का, हवा चल रही है एक तो ठंडी ठंडी, एंड इसको तो कुछ लग ही नहीं रहा है।